हाँ जी बेटा, ये देखो आपके सामने आज का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 आपकी कनेक्टिव वीवा की बुक है बेटा। ये सेमेस्टर 2 की उसका चैप्टर नंबर 3 है बेटा। तो आज हम उसे रिपीट करेंगे बेटा, उसे उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो सभी बच्चे बेटा प्लीज स्क्रीन पे देखेंगे। तो ये क्लास में बेटा टीचर्स और बच्चों की बेटा आपस में बातें चल रही हैं। और टीचर्स जब क्लास में एंटर करते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं, है ना? और बच्चों से बेटा टीचर्स आपस में क्या बातें करते हैं फिर क्लास में एंटर होते, कौन से सब्जेक्ट्स की, कौन से बेटा वो क्विज की बात करते हैं, तो उसके बारे में बेटा आज हम जानेंगे। देखो सबसे पहले बेटा टीचर जब एंटर करता है क्लास में तो वो क्या बोलता है ना? तो वो टीचर, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, है ना? तो टीचर्स बेटा जब क्लास में एंटर करते हैं वो क्या बोलते हैं बच्चों को, विश करते हैं मॉर्निंग टाइम में, क्या बोलते हैं बेटा वो? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एंड चिल्ड्रंस बेटा क्या बोलते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग मैम, है ना? आप भी क्लास में ऐसे करते हो ना, जब टीचर क्लास में एंटर होता है तो टीचर्स बोलते हैं बच्चों को गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, और जब बच्चों के बोलते हैं टीचर्स को भी बोलते हैं बच्चे को बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, है ना? तो टीचर्स क्या बोलते हैं बेटा, टीचर बोलता है देयर विल बी अ जनरल नॉलेज क्विज ऑन द कैलेंडर नेक्स्ट वीक। तो बेटा टीचर बोलता है बच्चों को कि बेटा आपका नेक्स्ट वीक आपका जीके का, जनरल नॉलेज का क्विज होगा, एक टेस्ट होगा एक, ठीक है, कैलेंडर के बारे में। तो आपका नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा, वो बच्चों को बोलते हैं। तो अरुण बोलता है, अरुण एक स्टूडेंट है, वो बोलता है ओ मैम दैट विल बी डिफिकल्ट। तो अरुण बोलता कहता है मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो बहुत ही मुश्किल है ना? तो टीचर क्या बोलता है, टीचर बोलता है प्लीज डोंट वरी, आई विल टीच यू द नेम्स ऑफ द मंथ्स एंड हाउ टू टेल टाइम। तो टीचर बोलता है कि बेटा प्लीज डोंट वरी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आई विल टीच यू द नेम्स ऑफ द मंथ। कहते मैं आपको टीच करवाऊंगी, आपको मैं समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी मैं आपको नेम्स ऑफ मंथ, तो मंथ्स के नेम कौन से होते हैं एंड हाउ टू टेल टाइम। तो हम टाइम कैसे बेटा, उसको टाइम को हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है, हमें टाइम कैसे पता चलता है, जो क्लॉक होता है ना उसके ऊपर टाइम होता है, तो हम उसे कैसे बेटा, हम उसे क्लॉक को कैसे हम उसके ऊपर टाइम को देख सकते हैं, तो वो सभी चीजें मैं आपको आज समझाऊंगी। आगे है बेटा लीला, लीला भी एक स्टूडेंट है। लीला क्या कहती है, लीला कहती है मैम आई नो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो लीला बोलती है मैम मुझे पता है कि मंथ में 12, सॉरी ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो धीरन क्या बोलता है, धीरन भी एक स्टूडेंट है, कहता है नो लीला देयर आर 10 मंथ्स इन अ ईयर। तो धीरन क्या बोलता है, वो बोलता है नहीं लीला, एक साल में सिर्फ 10 महीने ही होते हैं, 10 मंथ्स होते हैं। तो टीचर क्या बोलते हैं, टीचर कहता है धीरन लीला इज राइट। तो टीचर बोलती है धीरन लीला इज राइट, लीला सही बोल रही है, अ ईयर हैज 12 मंथ्स, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। डज एनीवन नो द नेम्स ऑफ द मंथ, तो वो कहते हैं कि किसी को पता है वो कौन कौन से महीने होते हैं। तो चिल्ड्रन कहते हैं नो मैम, बच्चे बोलते हैं नहीं मैम हमें नहीं पता वो कौन कौन से होते हैं। तो टीचर क्या बोलते हैं, ऑल राइट आई विल से द नेम्स ऑफ द मंथ एंड यू रिपीट आफ्टर मी शैल वी स्टार्ट। तो बेटा टीचर बोलती है ठीक है कोई बात नहीं है, मैं आज आपको सारे मंथ्स के नेम बताऊंगी, तो आप मेरे पीछे बेटा उसे रिपीट करोगे और चलो हम स्टार्ट करते हैं, शैल वी स्टार्ट। तो चिल्ड्रन बोलते हैं यस मैम। तो टीचर बोलते हैं बेटा उनको 12 मंथ्स के नेम अब वो उनको रिपीट करवाते हैं, कौन कौन से होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है बच्चे? तो ये सारे बेटा क्या है, ये 12 मंथ्स हैं, जो 1 ईयर में बेटा 12 मंथ्स होते हैं ये उनके नेम है। आगे चिल्ड्रन रिपीट आफ्टर हर, तो बेटा सारे बच्चे अपने टीचर के पीछे पीछे उसे रिपीट करते हैं, उसे दोबारा से रिपीट करते हैं, जैसे टीचर्स बोलते हैं तो वो भी बच्चे क्या करते हैं बेटा उसे रिपीट करते हैं। तो वेरी गुड, नाउ आई एम गोइंग टू से सम सेंटेंसेस, रिपीट ईच सेंटेंसेस आफ्टर मी। तो टीचर बोलते हैं वेरी गुड, आपने मेरे पीछे मंथ्स के नेम बोले हैं, तो चलो अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी, आप वो भी मेरे पीछे रिपीट करोगे। तो देखो सबसे पहले लिखा बेटा जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो जनवरी बेटा क्या है, वो ईयर का फर्स्ट मंथ है, ठीक है बेटा? तो आप सभी बच्चों ने भी ये ध्यान से देखना है कौन कौन से मंथ कौन कौन से बेटा वो है, तो हम देखेंगे भी कौन सा मंथ फर्स्ट है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड। तो आप सभी बच्चों ने ये ध्यान से सुनना है बेटा,
जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जो जनवरी है बेटा मंथ का वो फर्स्ट ईयर है, एंड फेब्रुवरी इज द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर, जो फेब्रुवरी है बेटा वो ईयर का सेकेंड मंथ है, एंड मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, जो मार्च है बेटा वो ईयर का थर्ड मंथ है, एंड अप्रैल इज द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर, जो अप्रैल है बेटा वो ईयर का फोर्थ मंथ है, एंड मे इज द फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर, जो मे है बेटा वो ईयर का फिफ्थ मंथ है, एंड जून इज द सिक्स्थ मंथ ऑफ द ईयर, जो जून है बेटा वो ईयर का सिक्स्थ मंथ है, एंड जुलाई इज द सेवेंथ मंथ ऑफ द ईयर, जो जुलाई है बेटा वो ईयर का सेवेंथ मंथ है, एंड अगस्त इज द एट्थ मंथ ऑफ द ईयर, जो अगस्त है बेटा वो एट्थ मंथ है ईयर का, एंड सितंबर इज द नाइन्थ मंथ ऑफ द ईयर, और जो सितंबर है बेटा वो ईयर का नाइन्थ मंथ है, एंड अक्टूबर इज द टेंथ मंथ ऑफ द ईयर, एंड जो बेटा अक्टूबर है वो टेंथ मंथ है ईयर का, एंड नवंबर इज द इलेवेंथ मंथ ऑफ द ईयर, जो बेटा जो नवंबर है वो इलेवेंथ मंथ है ईयर का, एंड दिसंबर इज द ट्वेल्थ मंथ ऑफ द ईयर, तो बेटा जो दिसंबर है बेटा वो क्या है, वो ट्वेल्थ मंथ है ईयर का, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से बेटा ये ट्वेल्थ मंथ कंप्लीट हो गए हैं, वेल डन। नाउ तुषार आंसर माय क्वेश्चंस, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ जनवरी, तो बेटा उनके टीचर बोलते हैं वेरी गुड, तो अभी तुषार आप बताओ, एक मैं आपसे क्वेश्चन पुट करती हूँ, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ जनवरी, तो मैम बोलते हैं उसको कि आप मुझे बताओ कि जनवरी में कौन से मंथ होते हैं, कितने डेज होते हैं, तो तुषार क्या बोलता है, 30 days मैम, तो तुषार क्या बोलता है, 30 days मैम, तो टीचर बोलता है तुषार द करेक्ट आंसर इज 31 days। Now children, let's us say a rhyme together, repeat after me. तो टीचर उसको बोलते हैं तुषार करेक्ट आंसर इज 31 days, तो बेटा उनके मैम बोलते हैं तुषार जनवरी में 31 days होती है, and now children let's us say our rhymes together, repeat after me, वो कहते हैं चलो एक rhyme बोलते हैं, अब सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे repeat करना, ठीक है, 30 days in a September, April, June and November, all the rest have 31, expecting February alone, this has 28 days clear and 29 in each leap year. तो बेटा ये एक छोटी सी राइम है, आप सभी बच्चों ने भी बेटा इसे रिपीट करना है, इसे बोलना है, ये राइम बेटा आप सभी बच्चों को भी आनी चाहिए। तो क्या है बेटा, क्या राइम बोलिए, 30 days in September, April, June and November, all the rest have 31, expecting February alone, this has 28 days clear and 29 in each leap year. तो उनके मैम बोलते हैं बेटा 30 days in a September, अप्रैल जून एंड नवंबर, तो बेटा उनके मैम बोलते हैं कि जो 30 days है वो सितंबर में, अप्रैल में, जून में एंड नवंबर में होते हैं, एंड ऑल द रेस्ट हैव 31 days, तो बेटा कहते हैं बाकी जो मंथ्स होते हैं उसके 31 days होते हैं, एंड एक्सपेक्टिंग फरवरी अलोन दिस हैज 28 days, तो उसके मैम बोलते हैं कहते हैं जो फरवरी का सिर्फ एक महीना ऐसा है जिसके सिर्फ 28 days होती है, ठीक है, एंड 29 इन ईच लीप ईयर, तो बेटा जो लीप ईयर होता है वो उसमें कितने डेज होते हैं फरवरी के, उसमें उसके 29 days होते हैं, ठीक है, तो चिल्ड्रन बोलते हैं यस मैम इट, तो आगे बोलते हैं वाजंट दैट फन, तो कहते हैं आपने को बहुत फन किया आपने, तो चिल्ड्रन बोलते हैं यस मैम इट वाज, कहते हैं हमने बहुत फन किया है ना, हमने बहुत इंजॉय किया है ना, तो टीचर्स क्या बोलते हैं दैट्स ऑल फॉर टूडे, ठीक है, तो आज के लिए बेटा जो हमारा वक्त था वो कम्प्लीट हो गया, दैट्स ऑल, तो चिल्ड्रन बोलते हैं थैंक यू मैम, तो उनके बेटा जो चिल्ड्रन बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं मैम को, थैंक यू बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से बेटा ये आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट है, तो आगे इसकी एक्सरसाइज वो हम करते हैं, देखो सबसे पहले है बेटा राइट ट्रू और फॉल्स इन द बॉक्सेस, तो बेटा देखो देयर आर 11 मंथ्स इन अ ईयर, तो बेटा जो ईयर है उसमें 11 मंथ होते हैं, नो दैट इज रॉन्ग, तो कितने मंथ होते हैं बेटा ईयर में, 12 मंथ होते हैं, तो ये क्या है बेटा फॉल्स, तो अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एफ दैट इज फॉल्स, एंड जुलाई हैज 31 days, यस जुलाई हैज 31 days, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा हम ट्रू टी लिखेंगे, आगे अक्टूबर इज द नाइन्थ मंथ ऑफ द ईयर, जो अक्टूबर है बेटा वो नाइन्थ मंथ है ईयर का, नो दैट इज फॉल्स, तो बेटा यहाँ पे हम एफ लिखेंगे, आगे है मे कम्स आफ्टर अप्रैल, जो मे है बेटा वो अप्रैल के बाद आता है, यस तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू टी,
तो फेब्रुअरी हैज 29 डेज इन अ लीप ईयर, तो फेब्रुअरी में बेटा 29 डेज होते हैं लीप ईयर में, यस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, टी। ओके, तो ये ट्रू फॉल्स कंप्लीट है हमारे। आगे बेटा कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट नंबर्स, वन इज डन फॉर यू। तो बेटा आगे हम इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो देखो यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे पोजीशंस है, और यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ डेज है। तो यहाँ पे बेटा हमने देखो मंथ हमको फर्स्ट हमें मतलब कि क्लियर करके दिया हुआ है। तो आगे बेटा हमने सारे फिल करने हैं। सबसे पहले जनवरी दिया, तो जनवरी कौन सा, पोजीशन कौन सा, उसका मंथ कौन सा, फर्स्ट, और उसमें डेज कितने होते हैं, 31। आगे बेटा अक्टूबर, अक्टूबर कौन सा मंथ है बेटा, 10th, एंड डेज कितने बेटा उसमें, 30। आगे है मई, मई का बेटा कौन सा मंथ है, 5th, एंड देयर विल बी डेज ऑफ 31। आगे है बेटा अगस्त, अगस्त बेटा कौन सा मंथ है, 8th, एंड डेज 30। नेक्स्ट है बेटा जुलाई, तो पोजीशन क्या है बेटा उसकी, 7th, एंड डेज इज 31। दिसंबर इज 12th मंथ है, एंड डेज 31। आगे है बेटा मार्च, मार्च की पोजीशन क्या है बेटा, 3rd, और डेज कितने है बेटा उसमें, 31। आगे है बेटा जून, जून की पोजीशन कौन सी है, 6th मंथ है बेटा वो, और डेज कितने होते हैं उसमें, 30। एंड फरवरी इज 2nd मंथ, एंड डेज आर 28। सितंबर इज 9th मंथ, एंड डेज आर 30। अप्रैल इज 4th मंथ, एंड डेज आर 30। नवंबर इज 11th मंथ, एंड डेज आर 30। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से बेटा ये हमारा चार्ट कंप्लीट है। तो आपने भी इस तरह से इसे कंप्लीट करना है बोल बोल के। आगे नेक्स्ट है बेटा कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट हॉट, कोल्ड, रेनी, विंडी और स्नोई इन फ्रंट ऑफ ईच मंथ। तो बेटा हमने ये देखना भी, मंथ्स आपको दिए गए हैं, तो ये मंथ बेटा हॉट, कोल्ड, रेनी, विंडी, स्नोई किस तरह से है, तो वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखो बेटा सबसे पहले है जनवरी, जनवरी कौन सा मंथ है बेटा, कोल्ड, ठंड होती है ना उसमें। तो फरवरी भी बेटा कौन सा है, कोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मार्च, तो मार्च क्या है बेटा, विंडी है ना, हवाएं चलती है ठंडी। एंड अप्रैल क्या है, हॉट, गर्मी हो जाती है। मई भी बेटा हॉट है, और जून का जो मंथ है वो भी हॉट है ना। उसके बाद बेटा जुलाई, तो जुलाई में बेटा बारिश वगैरह शुरू हो जाती है ना, तो ये कौन सा बेटा, रेनी। अगस्त भी रेनी है, ठीक है। सितंबर में बेटा फिर ठंडी हवाएं चलती है, विंडी है बेटा ये। अक्टूबर कौन सा है, ये भी विंडी है। एंड नवंबर एंड दिसंबर क्या है बेटा, ये स्नोई है। तो काफी जगह पे बेटा क्या होती है, बर्फ भी पड़ती है ना, तो ये नवंबर और दिसंबर क्या है बेटा, स्नोई। ओके, तो आगे बेटा देखो हमने ये मैच द कॉलम, मैच द नंबर्स एंड कॉलम्स ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी, नंबर्स इज वन इज डन फॉर यू। तो बेटा हमें ये मैचिंग दी गई है, हमने इनको नंबर्स के अकॉर्डिंग बेटा इसको मैच करना है। तो देखो यहाँ पे वन लिखा है, तो वन को हम किसके साथ मैच करेंगे, फर्स्ट। आगे है बेटा नाइन, नाइन्थ, सेवन, सेवन्थ, थ्री, थर्ड, फाइव, फिफ्थ, एट, एट्थ, टू, सेकंड, ट्वेल्थ, तो यहाँ पे बेटा ट्वेल्थ, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कंप्लीट है मैच द कॉलम भी। तो आगे है बेटा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, राइट कंप्लीट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन टू टेल अस व्हाट डू यू डू एवरी डे, नंबर्स वन इज डन फॉर यू। तो बेटा यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए बेटा, हमें उसे क्या करना है, उसके आंसर्स देने हैं। तो एक बेटा हमें उन्हें, एक हमें बेटा उन्होंने कंप्लीट करके दिए, तो बाकी बेटा हमने कंप्लीट करने हैं, उनके आंसर्स देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, What time do you get up in the morning? तो बेटा कौन से टाइम पे आप सुबह मॉर्निंग टाइम पे उठते थे, यहाँ पे लिखा I get up at 7 in the morning, ठीक है। आगे है बेटा What time do you go to school? तो आप यहाँ पे क्या आंसर दोगे, I go to school at 8 a.m. in the morning। आगे है बेटा What time do you have lunch? तो आप किस टाइम बेटा लंच करते हो, I had lunch at 2 p.m. in the afternoon, ठीक है, हम 2 बजे लंच करते हैं। And what do you come back from the school, आप कब स्कूल से बेटा आते हो वापस, I come back from school at 2 p.m. in the afternoon, ठीक है। आप यहाँ पे 3 भी लिख सकते हो, जितने टाइम पे बेटा आप स्कूल से वापस आते हो। And what time do you have milk and biscuits in the evening? तो बेटा आप कौन से टाइम पे बेटा मिल्क और बिस्किट लेते हो शाम को, I had milk and biscuits at 4 p.m. in the evening, ठीक है। हम 4 बजे क्या करते हैं, हम चाय भी पीते हैं, बिस्किट भी लेते हैं साथ में, है ना।
आगे बेटा व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, तो आप रात को कितने बजे सोने जाते हो, आई गो टू बेड एट 9 PM एट नाइट, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा बेटा आज का चैप्टर कंप्लीट है, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो ये बेटा सारा वर्क आपने बोल बोल के अपनी बुक के ऊपर भी करना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, और मैथ्स का कॉलम्स है, तो ट्रू फॉल्स है, ये सारी चीजें बेटा आपने किस पे करनी है, अपनी इंग्लिश की नोटबुक पे करनी है। ओके बेटा, तो बेटा मुझे ये बताओ सभी बच्चों को ये चैप्टर समझ में आ गया है?